प्रियंका गांधी के बयान के बाद सज्जन सिंह वर्मा का भी बयान सामने आया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भारत के साथ मध्य प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों का हास हो रहा है। नेगेटिव पॉलिटिक्स के जन्मदाता बीजेपी है, उसी को आधार रखकर प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में कहा है कि मैं नकारात्मकता की तरफ नहीं जाऊंगी। देश के अंदर किस तरह से पॉजिटिविटी बढ़े उसको लेकर हम काम करेंगे और यही कांग्रेस का सिद्धांत है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कितना बड़ा झूठ, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ यदि कोई है तो भाजपा के लोगों ने जो ये बात कही कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और दलितों पे यदि कहीं अत्याचार हो रहा है उसका नाम है मध्य प्रदेश। लेटेस्ट घटना नहीं, कई घटनाएँ उसके साथ हो गई हैं। सीधी की घटना के साथ साथ तमाम सारे जिलों में आदिवासी भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी मणिपुर का जो दृश्य आपने हमने दो दिन से हम देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि एक प्रधानमंत्री, आज मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है कि मुझे क्रोध है, मुझे पीड़ा है। क्रोध तो मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी, आप में पीड़ा मैंने नहीं देखी। किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़क पर बैठता है, एक साल 750 आंदोलन करते हुए किसान मर जाते हैं। वो पहलवान जो पद्मश्री पद्म भूषण है, दिल्ली में अपनी बाजी मांगों के लिए बैठती हैं महिलाएं, उनके बारे में एक शब्द नहीं निकला, किसानों पे एक शब्द नहीं निकला। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया, लोकसभा राज्यसभा चालू हुई और वो वीडियो वायरल हुआ, तब एक फूटा सा शब्द आपका निकला कि मुझे बड़ी पीड़ा है, बड़ा क्रोध है। वो भी आदिवासी है, अत्याचार हो रहा है 3 महीने से, एक प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है, जाने कितने देश घूमाया। अरे मणिपुर चले जाते तो प्रधानमंत्री पद सफल होता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।